एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लेक्चर 6 में इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात कर रहे हैं, और ये लेक्चर 6 का आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करा, और टॉपिक को एक्सप्लेन करने के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आज ये लेक्चर 6 का आप सेकेंड पार्ट मान लीजिए, और इसमें जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, तो चलिए उस होमवर्क के क्वेश्चन को हम आज करते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये क्लास देख रहा है और उसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, तो बेटे प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक लास्ट क्लास के ही कॉन्टिन्यूशन में ऐड हो रखा है। तो चलिए आते हैं आज के क्लास पर। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक कराया, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कंपनी ने कोई एसेट परचेज की है या कोई बिजनेस परचेज करा और उसके बदले में अपने क्या दे दिए, डिबेंचर्स। तो इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था, पर अब हम इस क्लास के अंदर बात कर रहे हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, रक्षित लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट ऑफ ₹30 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम दी पारिक एंटरप्राइजेस। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की एसेट्स खरीद ली और साथ ही साथ उसकी लाइबिलिटीज भी खरीद ली। बेटे इसे हम कहते हैं कि हमने बिजनेस टेक ओवर कर लिया। अब जो बिजनेस टेक ओवर करा है बेटे, जब मैं किसी का व्यापार खरीदता हूँ, उसका बिजनेस खरीदता हूँ, तो उसके और मेरे बीच में एक अमाउंट सेटल होती है कि भाई मैं इतने के लिए, आप इतने पैसे में आपको देने के लिए तैयार हूँ। उसे हम नाम देते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो ये क्वेश्चन कहता है यहां पर कि ₹30 लाख की हमने एसेट परचेज की है, ₹10 लाख की लाइबिलिटी, और जो हमारी डील हुई है, हमारी डील हुई है ₹25 लाख में। और बेटे ये जो अमाउंट है इसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन हम इस अमाउंट को बोलते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अब हमें उन्हें एक तरीके से ₹25 लाख पे करने हैं, तो हम ये ₹25 लाख उन्हें कैसे पे करें। तो आगे कहता है, रोमी लिमिटेड ने इशू कर दिए 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। अब एक बात बताइए पहले मेरे को, बहुत आराम से सोचकर, यहां दो बातें हो रही हैं। पहली बात तो मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, और दूसरी बात मैं उसका पेमेंट कर रहा हूं। अब आप सोचकर देखिए, अगर आप भी किसी से किसी का बिजनेस एक्वायर करें या कोई भी चीज आप खरीदें, तो बेटे पहले आप खरीदोगे या पहले पेमेंट कर दोगे? तो पहले आप उसको पेमेंट करोगे, नहीं ना, पहले आप उसको खरीदोगे। तो पहले खरीद लो पूरा बिजनेस, उसके बाद पेमेंट की हम बात करेंगे, ठीक। तो चलिए पहले खरीदने की बात करते हैं। पहली एंट्री, हम लोगों ने एसेट खरीदी थी, तो हम एंट्री बनाएंगे यहां पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, बेटे हमने ₹30 लाख की एसेट्स परचेज की हैं, और आप देख सकते हैं 10 लाख की लाइबिलिटीज। टू हम यहां पर लिख देंगे, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। बेटे कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता, ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं सन्ड्री का क्या मतलब है। बेटे सन्ड्री का मतलब होता है वेरियस, एक से ज्यादा। तो हम सन्ड्री लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं 10 लाख। अगर बेटे एसेट और लाइबिलिटीज के नाम दिए हों, तो उनके नाम डेबिट कर देते हैं और नाम क्रेडिट कर देते हैं। अब दूसरी बात, बेटे किसने किससे खरीदा था? रक्षित लिमिटेड ने खरीदा था किससे? पारिक एंटरप्राइजेस से। तो इसका मतलब मैंने पारिक के भी पैसे देने, पारिक एंटरप्राइज। अब पारिक एंटरप्राइजेस से हमारा जो सौदा तय हुआ, यानी कि जो परचेस कंसिडरेशन है, वो है ₹25 लाख, करेक्ट। अब आपके आपको भी पता है कि डेबिट क्रेडिट दोनों साइड मैच होनी चाहिए। ये दोनों साइड अगर मैच नहीं हुई, जिधर भी डिफरेंस आए, अगर बेटे डिफरेंस आता है डेबिट साइड में, तो उसे हम बोलते हैं गुडविल, और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, करेक्ट। आती है बात समझ में? अब आप देखिए, इधर का तो टोटल है 35 लाख और इधर है 30 लाख, तो ₹5 लाख का डिफरेंस यहां पर आ गया, और इसे बैलेंसिंग फिगर को हमने नाम दे दिया गुडविल का, करेक्ट।
अच्छा ये है क्या, आप सोचो, 30 लाख रुपीज की एसेट, 10 लाख की लाइबिलिटी, तो यानी कि मैंने सामने वाले से जो एसेट लाइबिलिटी खरीदी है वो 20 लाख की खरीदी है, भाई 30 लाख की एसेट है, 10 लाख की लाइबिलिटी है, तो जो नेट एसेट्स हैं, जो नेट एसेट्स हैं वो 20 लाख रुपए ही हैं, ठीक, और 20 लाख की चीज के बदले आप 25 लाख देने के लिए तैयार, तो आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो? वो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसके गुडविल के, नरेशन बना देंगे हम, बीइंग बिजनेस एक्वायर्ड। बेटे बिजनेस खरीदने के टाइम पर ही गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बात होती है, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब बात आती है पेमेंट करने की, बेटे हम किसको पेमेंट करेंगे? हम पेमेंट करेंगे पारिक एंटरप्राइजेस को, तो पारिक एंटरप्राइजेस हम उन्हें कितना पेमेंट करेंगे? सर हम उन्हें 25 लाख रुपीज का पेमेंट करेंगे, लेकिन ये 25 लाख रुपीज मैं उन्हें कैश में नहीं दे रहा, मैं उन्हें दे रहा हूं अपनी कंपनी के डिबेंचर्स। तो मेरे बेटे ध्यान से एक बात सुनना, 25 लाख रुपीज उन्हें पे करने और बदले में मैं उन्हें दे रहा हूं डिबेंचर्स, 100 रुपीज का डिबेंचर 25% के प्रीमियम पे, मतलब मैं उन्हें 100 का डिबेंचर 125 का लगा रहा। तो बेटे 125 से कर दीजिए डिवाइड, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 20,000 डिबेंचर्स, करेक्ट। तो बेटे डिबेंचर देने से पहले डिबेंचर कैलकुलेट भी तो करने पड़ेंगे, और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है? अमाउंट पेबल, जितनी भी आपको अमाउंट देनी है, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, करेक्ट। तो 20,000 डिबेंचर्स हमने दे रहे हैं, तो देखिए जरा पारिक एंटरप्राइज को 25 लाख देने, आपने यहाँ पर लिखा टू, कितने परसेंट वाले डिबेंचर थे हमारे? 10% वाले, तो 2 10% डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर? 20,000 डिबेंचर्स और 100 रुपीज का एक है, तो 20 लाख के हो गए डिबेंचर। और बेटे हम ये डिबेंचर उसे कैसे दे रहे हैं? प्रीमियम पे, तो एसपीआर हो गया क्रेडिट, 20,000 इंटू रुपीज 25, ठीक 25 रुपए का प्रीमियम, तो 5 लाख रुपए हो गए प्रीमियम के, बीइंग डिबेंचर्स इशूड, करेक्ट। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, पहले हमने एसेट खरीदी, लाइबिलिटीज खरीदी, और परचेज कंसिडरेशन, बेटे ये इस क्वेश्चन का हीरो है, 25 लाख रुपीज पीसी, पहले हमने परचेज कंसिडरेशन को क्रेडिट करा, क्लोज करा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा, ठीक, और फिर उसके बाद हमने उस 25 लाख रुपीज का क्या कर दिया? पेमेंट। पेमेंट करने से पहले आपने क्या निकाला? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, और कैसे निकाले? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, करेक्ट। तो 20,000 डिवेंचर्स हमने उन्हें दे दिए, क्लियर होती है यहां तक की बात, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे की क्लास पे, आज और क्या कराना है मुझे आपको? बेटे अभी यही टॉपिक चलेगा, लेकिन इसी में जैसे हमने ये पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर करा है, बेटे हम एक सिंगल एसेट भी एक्वायर कर सकते हैं, एक अकेली एसेट, मशीन खरीद सकते हैं हम, प्लांट खरीद सकते हैं हम, फर्नीचर खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंगल एसेट खरीदने की बात करेंगे, वो क्वेश्चन इन क्वेश्चन से भी आसान होते हैं, ये भी आसानी है, वो इससे भी आसान होते हैं, ठीक। तो अभी हम सिंगल एसेट खरीदेंगे, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सर्विसेज ले लेते हैं, जैसे प्रमोटर्स की, अंडरराइटर्स की, वो क्वेश्चन और देखेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इस टॉपिक के दो पार्ट हो गए, एक लेक्चर वन, एक पार्ट वन हो गया, लेक्चर सिक्स का एक टू हो गया, तो दोनों हम लेक्चर्स देख लेंगे तो हमें पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखें, अब ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा आपको करने में, और इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है बेटे। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाने की गलती नहीं करते हैं कभी भी एग्जाम में, ठीक है, वरना एग्जाम के बाद पछताना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सा लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ जय लिमिटेड, ठीक, 40 लाख रुपीस,
कितने में खरीदा? 40 लाख रुपीज में। तो बेटे दिस 40 लाख रुपीज विल बी पीसी, परचेज कंसीडरेशन, जितने में हमारा सौदा तय हुआ। हमने क्या क्या खरीदा? हमने प्लांट खरीदा, स्टॉक खरीदा, फर्नीचर खरीदा, डेटर्स खरीदा, क्रेडिटर्स भी खरीदे। और खरीदने के बाद कंपनी ने कहा, भाई हमने तुम्हारे 40 लाख रुपए देने ना, एक काम करो हमसे 4 लाख रुपीज का बैंक ड्राफ्ट ले लो, 3 लाख रुपीज का हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं 3 महीने का, ठीक। और कंपनी इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम, और बाकी जितनी भी अमाउंट बची उतने के हम आपको दे देते हैं डिबेंचर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 40 लाख रुपीज में से 4 लाख रुपीज के तो आप उसे दे दें बैंक ड्राफ्ट, 3 लाख रुपीज आप उसे दे दें बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, यानी कि बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके। इसका मतलब 40 लाख में से 7 लाख का तो पेमेंट आपने एक अलग तरीके से कर दिया, तो आप उन्हें डिबेंचर्स कितने के दे रहे हैं? 33 लाख के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम उन्हें केवल डिबेंचर नहीं दे रहे, डिबेंचर के साथ बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी दे रहे हैं, ठीक। और बेटे लगभग ऐसा ही क्वेश्चन 3 मार्क्स की वेटेज में आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है। चलिए पहले क्या करेंगे, पहले खरीदेंगे या पहले पेमेंट करेंगे? पहले खरीदा जाता है सामान, उसके बाद पेमेंट की जाती है। चलिए तो क्या करते हैं, इसकी एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले आपने प्लांट खरीदा, बेटे जो जो आपने जितने जितने का भी खरीदा, प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक। प्लांट आपने खरीदा है 12 लाख रुपीज का, तो आपने यहां लिख दिए 12 लाख रुपीज। उसके बाद आपने खरीदा स्टॉक 14 लाख का, तो आपने खरीद लिया यहां पर स्टॉक डेबिट 14 लाख रुपीज। उसके बाद आपने खरीदा फर्नीचर, फर्नीचर भी कितने का? 14 लाख का, तो फर्नीचर को भी कर दिया आपने डेबिट, फर्नीचर भी हो गया डेबिट, वो भी हो गया 14 लाख रुपीज का। उसके बाद आपने खरीदा डेटर, बेटे उनके डेटर्स हमारे हो गए, तो आपने डेटर्स खरीद लिए कितने के? 1 लाख रुपीज के डेटर भी आपके हो गए। उसके बाद क्रेडिटर्स, बेटे क्रेडिटर्स हमारी एक लाइबिलिटी होती है, एक दो लाइन का गैप जरूर छोड़ देते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपीज के, करेक्ट। इतनी बात समझ में आती होगी आपको, एसेट डेबिट लाइबिलिटीज क्रेडिट। और बेटे जितने में भी उनका और हमारा डील हुआ है 40 लाख में, ठीक, तो यहां मैंने लिख दिया टू जे लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन और अमाउंट लिख दी 40 लाख, ठीक। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर होगी। अब अगर आप इफ डेबिट साइड का टोटल करो बेटे, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 39 लाख, कितना आ रहा है? 39 लाख, ठीक। नहीं सॉरी, ये आ रहा है आपका 41 लाख, 41 लाख, ठीक। और अगर आप इधर का टोटल करें तो इधर का टोटल आ रहा है 42 लाख, क्लियर है। तो बेटे अगर दोनों साइड में डिफरेंस आ रहा है और वो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन इस टाइम तो इधर नहीं आना डिफरेंस, तो 42 में से 41 लेस करें बेटा, अगर डेबिट में डिफरेंस आए तो उसको हम बोलते हैं गुडविल, गुडविल हो गई हमारी 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर, आई होप क्लियर है पहली बात, एसेट्स डेबिट हो गई, ये सारी एसेट्स डेबिट हो गई, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट हो गया, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। दिस इज फर्स्ट जर्नल एंट्री, आई होप क्लियर है यहां तक की बात। अब आते हैं दूसरी बात पे कि हमने उन्हें पेमेंट कैसे कैसे की। हमने 4 लाख रुपीज का बैंक ड्राफ्ट दे दिया, 3 लाख रुपीज का बीपी दे दिया। तो बेटे आराम से मेरी बात सुनना, अगर तुमने डिबेंचर के अलावा कुछ और दिया है तो पहले उसे दे दो। तो मैंने क्या करा, यहां पर जय लिमिटेड को बोला कि जय लिमिटेड तुम एक काम करो भाई, हमसे एक तो ले लो बैंक ड्राफ्ट, तो हमने 2 बैंक लिख दिया। कितने का बैंक ड्राफ्ट ले लो? 4 लाख का,
है। और दूसरा हमसे तुम ले लो एक बिल्स पेबल, कितने का? 3 लाख का। लो भाई तुम्हारे पास 7 लाख रुपीस पहुंच गए। अब उन्होंने कहा भाई 40 में से 7 लाख तो हमें मिल गए, बाकी के 33 लाख का क्या? हमने कहा 33 लाख भी देंगे, क्यों टेंशन लेते। अब ये 33 लाख रुपीस हम उन्हें दे रहे हैं बाय वे ऑफ डिवेंचर्स, हम उन्हें डिवेंचर्स इशू करके दे रहे हैं। और बेटे डिवेंचर देने के लिए पहले ये तो निकाल लो कितने डिवेंचर देने हैं। तो क्या करेंगे, अमाउंट पेबल कितनी है? 33 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिवेंचर। एक डिवेंचर कितने में दे रहे हो आप उन्हें? आप उन्हें एक डिवेंचर दे रहे हो 100 का डिवेंचर 10% के प्रीमियम पर, तो 100 का डिवेंचर 110 रुपए में, तो यहां पर डिवाइड कितने से कर दिया? 110 से। क्लियर? एनी डाउट? 30,000 डिवेंचर्स, तो हम उन्हें कितने डिवेंचर दे रहे हैं? 30,000। तो मैंने एंट्री बनाई अब यहां पर जय लिमिटेड डेबिट, कितने देने थे जय लिमिटेड के? 33 लाख। टू कितने परसेंट वाले डिवेंचर थे? 10% वाले, 10% डिवेंचर्स, 3 लाख डिवेंचर्स, 30,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 30 लाख के तो हो गए डिवेंचर्स, और टू हो गया SPR, 30,000 × 10, 3 लाख रुपीस का हो गया SPR। करेक्ट? आती है बात समझ में बेटे? SPR इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, SPR डिवेंचर में, शेयर्स में, SPR के यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारी शेयर और डिवेंचर के चैप्टर। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर होगी। चलिए अब आगे आपको मैं सिखाता हूं एक और क्वेश्चन जिसमें हम एक सिंगल एसेट खरीद लेते हैं। ये मैंने आपको एक बिजनेस का ही क्वेश्चन कराया जो बिजनेस पूरा एक्वायर कर रहे हैं। चलिए आते हैं, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, केवल 3 नंबर के लिए। बट ये क्वेश्चन ऐसा ही, कभी कभी 3 नंबर में भी आ गया है, कभी 1 नंबर में भी आया है। ठीक, फिर आप क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है वो। डेल्टा लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीन 13,50,000 रुपीज की फ्रॉम हिंदुस्तान टूल्स लिमिटेड से, और इशू कर दिए अपने 10% डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पर। पूरा बिजनेस नहीं खरीदा हमने, केवल एक एसेट खरीदी है, एक सिंगल एसेट। बेटे एक सिंगल एसेट खरीदने में कोई कभी भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व नाम की चीज की बात नहीं होती। ठीक, अब इसकी एंट्री बनाते हैं बेटे। सिंपल है, मशीन आपने खरीदी है तो पहले मशीन खरीदने की एंट्री बना लो। तो मशीन खरीद लेते हैं पहले, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदी और हमने खरीदी हिंदुस्तान लिमिटेड से, हमने एच लिमिटेड लिख दिया इसको, बीइंग मशीन बॉट। ठीक है बेटा, कितनी आसान एंट्री है, 11th क्लास से पढ़ता आता है बच्चा कि मशीन कैसे खरीदते हैं। हमने मशीन खरीद ली 13,50,000 रुपीज की। ठीक है, बीइंग मशीन, सॉरी मशीन बॉट। ठीक, या परचेस्ड। अब आराम से सुनिएगा बेटे, 13,50,000 के बदले हमने उन्हें डिबेंचर दे दिए, तो पहले कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अमाउंट कितनी पे करनी है? 13,50,000 डिवाइडेड बाई इशू प्राइस पर डिवेंचर। अब ये बताइए 100 रुपीज का डिवेंचर है 10% की डिस्काउंट पर, तो हम कितने में इशू कर रहे हैं उन्हें? 90 रुपीज में। हमने इसको सॉल्व करा तो कितना आया? ये आ गया आपका 15,000 डिवेंचर्स, हम उन्हें 15,000 डिवेंचर दे रहे हैं बदले में। क्या एंट्री बनाए? एच लिमिटेड डेबिट, कितने देने इनको? 13,50,000 टू डिवेंचर, डिवेंचर हमारे 10% डिवेंचर्स, कितने डिवेंचर दे रहे हैं? 15,000, 10 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज ईच। यानी कि जो हम डिवेंचर दे रहे हैं उनकी फेस वैल्यू 15 लाख है, लेकिन हम उन्हें डिस्काउंट पर दे रहे हैं, तो बेटे डिस्काउंट ऑन इशू क्या हो गया? डेबिट हो गया 1,50,000 रुपीज। आई होप क्लियर है।
और बेटा ये जो डिस्काउंट होता है ये एक लॉस होता है, और इस लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं, ये मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। तो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम पहले तो एसपीआर का यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। उसके बाद हम यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, यानी कि बाकी बचा हुआ लॉस हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, और टू जो भी हमारा लॉस हुआ है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू। करेक्ट, यहां तक की बात क्लियर है? तो ये हमने एसपीआर हमारे पास था नहीं, तो ये जो 150,000 का जो हमारा लॉस था ये हमने पूरा का पूरा उठाकर कहां डाल दिया, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। तो ये हमने कर लिया आपका एक और टॉपिक जिसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटे अभी भी एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि हम अपने जो प्रमोटर हैं और जो अंडरराइटर्स हैं उन्हें हम शेयर्स देते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आते हैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बस 5 मिनट का क्वेश्चन, देखिए क्या है इसके अंदर। एक कंपनी है इंडिया मार्ट, उसने इशू करें अपने 10% डिवेंचर 10 रुपए का एक अपने प्रमोटर्स को। बेटे प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जिनके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आता है वो कंपनी को बनाते हैं, उन्हें प्रमोटर कहते हैं, ठीक। अब हमने प्रमोटर को अपने डिवेंचर दे दिए, ऐसा हो सकता है बेटे शेयर्स भी दे सकते हैं हम उन्हें, ठीक। तो चलिए जरा देखते हैं कि इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए। बेटे देखो, अगर आती हो तो कुछ नहीं है इस एंट्री में, और ना आता हो, आपने कभी टॉपिक सुना नहीं पढ़ा ही नहीं, तो पक्का है नंबर जाने ही जाने। जरा देखिएगा बेटे, जब भी हम अपने प्रमोटर को डिवेंचर्स या शेयर्स देते हैं तो उसे हम नाम देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या नाम देते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी हम उनको बोल सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस यानी कंपनी बनाने के खर्चे, क्लियर? तो हमने यहां लिख दिया कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, प्रमोटर्स को देंगे। तो प्रमोटर्स अकाउंट, आराम से नरेशन देखिएगा, बीइंग अमाउंट ड्यू। बेटे कभी भी डायरेक्टली हम कुछ नहीं देते, पहले उनके नाम में ड्यू करते हैं। हम उन्हें देना क्या चाहते हैं? हम उन्हें 10,000 डिबेंचर देना चाहते हैं 10 रुपए का एक, तो कितने हो गए? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपीज हमने उनके नाम में क्या कर दिए? ड्यू कर दिए पहले, और फिर हम उन्हें दे देते हैं। फिर हम अगली एंट्री बनाते हैं, हम प्रमोटर्स को प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, ठीक है? कितने के हो गए? 10,000 डिवेंचर्स 10 रुपीज ईच, तो 1,00,000 रुपीज, ठीक है जी। तो बस छोटी सी एंट्री है, देखो बीइंग डिवेंचर इशू, क्लियर? और 1 मार्क, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा नंबर की आती है, 1 मार्क, लेकिन आपको दिला सकती है कहीं ना कहीं 1 मार्क, ठीक है? आपसे यहाँ एमसीक्यू पूछ सकता है कि अगर हम प्रमोटर को जो है डिवेंचर दे रहे हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इस तरीके से वो आपसे कुछ ना कुछ पूछ सकता है, और बोर्ड में यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब ऐसे ही होता है बेटे, जब हम किसी को देते हैं अपने अंडररराइटर्स को। सर अंडररराइटर कौन होते हैं? बेटे अंडररराइटर वो लोग होते हैं जो हमारे सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल आउट कराने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम इसको हम बोलते हैं, देखें इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी कह सकते हैं, इसको हम डिबेंचर इशू एक्सपेंस भी कह सकते हैं, ठीक, या सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस भी कह सकते हैं। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी होगी कुछ सिक्योरिटीज बिकवाने में, क्लियर? तो हम इन्हें शेयर इशू एक्सपेंस भी लिख देते हैं, डिबेंचर कराए हो तो डिबेंचर इशू, ठीक है? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फिलहाल सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस डेबिट टू किसको दे रहे हैं? हम अंडररराइटर्स को, टू अंडररराइटर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू।
है, और जो अमाउंट हमने ड्यू की है कितनी है, 50,000 इंटू 10, तो ये हो गए 5 लाख के डिवेंचर्स। ठीक है, देखना चाहे आप एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन, 50,000 इंटू 10 तो 5 लाख रुपीज के डिवेंचर हो गए। और फिर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में करा, अंडरराइटर को दे दिया हमने डिवेंचर, अंडरराइटर डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। ठीक है, तो फिर 5 लाख रुपीज के हमने उन्हें क्या दे दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, बीइंग डिवेंचर इशू। आई होप क्लियर है। तो बेटे ये देखिए हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, अगर हम पहले तो हमने होमवर्क का क्वेश्चन करा, उसके बाद हमने ये देखा कि हम किस तरीके से एक पूरा बिजनेस खरीद सकते हैं, एक एसेट खरीद सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम फिर उसके आगे हम अपने प्रमोटर को डिवेंचर दे सकते हैं, हम अपने अंडरराइटर्स को डिवेंचर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक कंसीडर कर लिया। ठीक है, अगर बेटे आप लोगों को क्लासेस सही लगती हो, आपको लगता हो कि इनसे कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा, तो आप इन्हें सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपके पास डेली अपडेट जो है लेक्चर्स की जाती रहे। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर आप ये क्लासेस देख रहे हैं, इसी की दूसरी प्लेलिस्ट में जाकर आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर जो एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, अब हमने एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू वहां पर आपको मिलेंगे, तो उन एमसीक्यूज को भी अपने चैप्टर के साथ साथ आप लोग करते रहें, कि डिटेल क्वेश्चन आप यहाँ पर करें और एमसीक्यू क्वेश्चन वहां पर करते रहें, तो दोनों चीजें आपकी साथ ही साथ प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।